मेवात की हिंसा में मोनू मानेसर के साथ एक किरदार नूह के फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के विधायक मामन खान का भी है। आरोप है कि मामन खान ने भड़काने वाला बयान दिया था। मोनू मानेसर के मेवात पहुंचने पर प्याज की तरह फोड़ देने की धमकी दी गई थी। मामन खान से बातचीत की है एबीपी न्यूज के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ में मामन खान हैं, फिरोजपुर झिरका नूह हैं, वहां से कांग्रेस के विधायक हैं और हम इनसे बात करने एक पर्सपेक्टिव में आए हैं। मामन साहब, आपसे मैं बात इसलिए अभी जो करने आया उसके पीछे एक वजह ये है कि आपका एक बयान की बहुत चर्चा है। आपने मोनू मानेसर जिस पर कि जो वांटेड है और जिस पर कि नासिर और जुनैद की हत्या का जिस पर केस है, उसके बारे में आपका एक बयान जो कि असेंबली में दिया गया था कि प्याज की तरह फोड़ देंगे, ये इस समय बहुत ही चर्चा में और इसको कनेक्ट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कल जो मेवात में है दो समुदायों में घटना घटी है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जो आपने एक सवाल पूछा है मोनू मानेसर के ऊपर, मैं भी देख रहा हूं, काफी चैनल उसको चला रहे हैं, उस पूरी वीडियो को ये चला नहीं रहे हैं, आगे से कटिंग कर रखी है, पीछे से कटिंग कर रखी है, बस कुछ ही शब्दों को ये टीवी पे दिखा रहे हैं, जनता को भटका रहे हैं। क्या हुआ था कि जुनैद और नासिर हत्याकांड जिन लोगों को ले जाकर इन लोगों ने भिवानी के जंगलों में जलाया था, उससे पहले मेवात में ये काफी गांवों में जाके वारदातों को अंजाम दे रहे थे, जबकि वहां हमारे पास पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है, हर तरह से ठीक है। उसके पश्चात भी ये हथियार लेकर के लोगों को डराने का काम कर रहे थे। मैं वहां से लोगों ने विधायक चुना, मैंने और मेरे साथी चौधरी इलियास जी, चौधरी आफताब जी ने भी इस बात को विधानसभा में रखा, उनकी वीडियो भी अवेलेबल है कि ये इस तरह से जो वारदातों को अंजाम दे रहे हैं इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने जो बात रखनी थी सरकार के सामने रखी कि जब हमारे पास पूरा प्रशासन है तो ये गांव में क्यों घूमते हैं हथियार लेकर के, और जो मुलजी में जो गलत काम मेवात में कर रहे हैं उनको सरकार सजा दे, ना कि एक आम आदमी, संविधान के तहत उनको सजा दे देनी चाहिए। जब मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री के सामने, होम मिनिस्टर के सामने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के सामने ये कहा था कि सरकार इस मोनू मानेसर के खिलाफ कार्रवाई करे, इसको रोके, जो हमारा भाईचारा आपस में उसको ना बिगाड़े। एक सवाल ये बनता है कि आपका जो बयान था उसमें एक जिक्र था कि मोनू मानेसर आया तो प्याज के छिलके की तरह फोड़ देंगे। मोनू मानेसर ने एक वीडियो जारी कर दिया अपना, ये जो शोभा यात्रा, ब्रिजमंडल शोभा यात्रा, उसमें कहा कि मैं भी आ रहा हूं, इसलिए दोनों बातें कनेक्ट होती हुई बताई जा रही। मैंने ये बात पब्लिकली नहीं की, मैंने ये बात सरकार से कही थी कि सरकार इसके ऊपर लगाम लगाए ताकि आगे ऐसी वारदात ना हो, ऐसा आगे भाईचारा ना मिले। मोनू मानेसर ने जो वीडियो जाहिर की थी कि मैं मेवात में आ रहा हूं, जबकि वो मोस्ट वांटेड है, जब प्रशासन को पता है कि मोनू मानेसर ये मोस्ट वांटेड होने के पश्चात भी इस तरह की वीडियो जो जारी कर रहा है, और जो ब्रिज मंडल शोभा यात्रा निकालने के लोग आ रहे थे उनमें से एक बंटी बजरंगी, ये जो पाली से चलता है धो जाता है और कहता है कि बिट्टू बजरंगी, वह बयान जिसमें कहता है कि हम बताकर आ रहे हैं और फूल मालाओं लोकेशन दे दो कहां कहां मैं आ रहा हूं, और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और बताया नहीं कि मुलाकात नहीं हुई, इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे, अभी हम पाली में हैं, अब निकलेंगे धोस से, फूल मुला तैयार रखना, जीजा आ रहे हैं तुम्हारे, ये बोलते हैं कि बताया नहीं, निकल गए 150 गाड़ी लेकर के। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब सरकार इसने आने से पहले ये वायरल किया, पूरे मेवात में इसका वीडियो वायरल हुआ, उसको सरकार को ये पता, मैंने
जो वारदातें हो रही थी, जो हमारी ऊषा कुंडू एडिशनल एसपी जी हैं, उसको सारी चीज व्हाट्सएप पे करी, तो एक्शन क्यों नहीं लिया सरकार ने? सरकार एक्शन लेती तो ये घटना नहीं घटती। और समझाइए, आप ये कह रहे हैं सरकार ने एक्शन नहीं लिया, आप ये भी सवाल उठा रहे हैं कि मोनू मानेसर वांटेड है फिर भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया, ये सवाल आप लगातार उठा रहे हैं, आपने असेंबली में भी ये मुद्दा उठाया था। ये जो बात कही जा रही है ममान साहब, वो ये कही जा रही है कि मोनू मानेसर ने चैलेंज किया कि मैं आ रहा हूँ, और आपने चैलेंज किया कि आओगे तो प्याज के छिलके की तरह फोड़ दूंगा, ये दोनों ही चैलेंज करने वाली बातें। मैं ये कहता हूँ, मोनू मानेसर कहाँ आया वहाँ पर? मोनू मानेसर कहाँ है आप भी बताओ, कहाँ मोनू मानेसर जी आए हो आप? कहाँ मोनू मानेसर आया जो मोस्ट वांटेड है राजस्थान पुलिस का? उसने वीडियो में कहा कि मैं आऊँगा, वे वीडियो जारी करके नहीं, लोगों को वो भड़का रहा है। जो मेन रिएक्शन हुई थी, जब से ये अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, जो जिंदे जो हमारे मेवाड़ के लड़के इसने जलाए, लोगों में रिएक्शन पहले से थी। बाकी इन्होंने जो बिट्टू बजरंगी है, इसने वीडियो डाल के और लोगों को भड़का दिया, तो लोगों के दिलों को आहत पहुंची कि इस तरह से ये आ रहे हैं, हमारे को ससुराल बना रहे हैं, साले कह रहे हैं, जीजा कह रहे हैं, तो ये इस तरह से लोगों बड़े दुखी थे। मुझे लगता है जहां तक उसी से आहत हो के ये दोनों पक्ष भिड़े हैं। एक बात अब और ये बता दीजिए कि आपका अपना क्या रुख है इस पूरी घटना पे ममान खान, क्योंकि आप फिरोजपुर झिरका ये पास में ही है, वहीं से आप विधायक हैं और ये नूह में ही आता है, तो आपको क्या लगता है वजह क्या है इस घटना की जो घटी? ये सारी की सारी चाल आप भी समझते हो, ये पॉलिटिकली चालें हैं। इलेक्शन 2024 का नज़दीक आ रहा है, ये लोग चाहते हैं कि वोटों का पोलराइजेशन हो, किस तरह से हिंदू मुस्लिम को भड़काया जाए, किस तरह से वोट अपने पक्ष में किया जाए, और किस तरह से हम यहाँ सरकार बनाएं। और कुछ नहीं है सर, बाकी तो जैसे ये मेरे बयानों को तरह तरह को दिखा रहे हैं, 5 महीने पहले का बयान है ना, वहां मोनू मानेसर आया उससे कनेक्टेड कर रहे हैं। मोनू मानेसर के ऊपर बोला था ना कि ये जो थी इनकी ब्रिजमंडल शोभा के ऊपर बोला था मैंने, हमेशा मुसलमानों ने जब भी ब्रिजमंडल शोभा यात्रा निकली उसका साथ दिया है, हमेशा उसके साथ खड़े रहे हैं। इस बार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इनके बयानबाजी हुई है उससे लोग आहत थे, और मेरे को जो कनेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल कनेक्ट गलत कर रहे हैं। मैंने सरकार के सामने रखा था, किसी पब्लिक के सामने नहीं रख सका, वो मेरा अधिकार था, मेरे को लोगों ने चुन के भेजा उस विधानसभा में, और मैं और भी कोई बात होगी उसको भी विधानसभा में सरकार के सामने रखूंगा। चौधरी इलियास जो एक और MLA हैं उनका, हाँ आप अभी आपने उनका जिक्र किया था। नहीं, मेरे से पहले मेरे सीनियर नेताओं ने बोला, चौधरी इलियास जी ने भी बोला है कि एक इस बार आए तो ये खटपड़ियाओं पे जाएंगे। क्या मेरा ही बयान है? खटपड़ियाओं का मतलब चारपाई पे भी नहीं ले जाने लायक रहेंगे। मोनू मानेसर के लिए कि बिल्कुल वीडियो उसकी अवेलेबल है, तो हम सबने ही तो एक बात रखी थी सब। इलियास कहाँ से? MLA से है मेरे, बहुत सीनियर, 4 वर्ग के MLA हैं। उन्हाना हाँ, तो मतलब इसी नूह इलाके से, जिला नूह में। हाँ, तो सबको दर्द था इस बात का, सबके दिलों में दर्द था, सबने अपनी बात विधानसभा रखी, मैंने अकेले ने नहीं रखी जो मेरे को अकेले को टारगेट कर रहे। ये भी कह रहे हैं चौधरी इलियास का नाम लिया इसी पुनहाना से, इसी नू से वो MLA हैं, और ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी बोला है तो इनको ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन बीरपाल रावत के साथ अभिषेक उपाध्याय, ABP न्यूज, गुड़गांव। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।